मिर्च और एक ये राकेश पनीर मसाला, क्योंकि मीट मसाला नहीं मिला। और यहाँ पर ये हस्बैंड जी क्या कर रहे हो बाबू? तो दोस्तों देखिए हमारा आलू भी उबल चुका है, हम देखिए फटफट गया है, उबल के भाप भी निकल रहा है। तो दोस्तों देखिए अदिति बिटिया रानी गई है खाना बनाने के लिए, ना बिटी खाना बनाने के लिए। और दिल्ली का रेसिपी फर्स्ट रेसिपी आएगा। दोस्तों आइए आप लोग भी हमारा खाना खा लीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, तो स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में हमारे। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे दोस्तों। सुबह टाइम है तो आप सभी को हमारे पूरी फैमिली की तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग का टाइम है अभी दोस्तों, सुबह सोकर ही उठी हूँ और आप लोग पूरा नक्शा पूरा कुछ बाल में मतलब हट गए तो दोनों देखिए अभी दोनों बेबी एकदम अलट पलट के एकदम सो रहे हैं। देखिए ओहो, रात भर तो परेशान करते, मेरे पास सोई थी ना तो रात भर परेशान करते, अभी मासूम बन के सो रही है। देखिए दोनों को दोनों वही है, 12-1 बजे तक होता है। मेरे पास थी ना तो एकदम छटपटा रही थी, भाई के पास आकर अपने सो रहे। ये देखिए कितना मस्त हमारा छोटा सा परिवार दोस्तों, दो हम दो हमारे ना। बस इतना ही मैं चाहते मेरे फ्रेंड की खुशी रहे बस। चलिए तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, अभी देखिए। तो दोस्तों देखिए अदिति बिटिया रानी उठ गई है और पैसा मुंह में ले रही थी अभी दोस्तों। और अभी सामान आया दोस्तों, देखिए साबुन कपड़े धोने के लिए। क्या है? टाइम साबुन है दोस्तों कपड़ा धोने के लिए। और ब्रेड है, आज ब्रेड से आज हम लोग ये सादा ब्रेड है दोस्तों, इसी ब्रेड से हम आज कुछ बनाने वाले हैं। और ये राकेश मसाला और दूध का थैली, यहाँ दूध का थैली मिलता है दोस्तों ना, चीनी आधा के दिया है। 100 रुपया सारा बोल हो गया, अभी तुरंत लेकर गई मैं और पैसा भी खत्म। पैसा का मुराद नहीं है दोस्तों, क्योंकि सामान ही इतना महंगा है, कुछ भी सामान। और बिटियारा नहीं देखिए ब्रेड भी ले लिए, छीन ली बेटी, मम्मी छीन लिया है, नहीं दे रहा। ले साबुन खा, ये देखिए दोस्तों इसका मासूम, इधर देख बेटी, वो देखो ध्यान है पैसे, ये देख ले पैसा ही उठाने में लगी हुई है। दे पैसा, दे जल्दी दे। साबुन भी ले लिया और आदि बाबू अभी सो ही रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। पता नहीं इसको जबरदस्ती उठाऊंगी क्या रवटी। अरे तेरी की मुस्कान दे दी मेरी बिटिया रानी, देख कहाँ पे चोट लग गया, ये देखिए तो गाल में थोड़ा निशान आ गया है, चोट लगा ली है। भैया को उठा दे बेटी, भैया को उठा दो, जाओ आदि आदि उठ रहा, तूफान आ गया। ये बहुत मतलब सोता है दोस्तों। और अदिति बिटिया रानी तो हम लोग उड़ जाते हैं तो ये भी उड़ जाती है ना। तो दोस्तों देखिए आदि बाबू उठ गया, उठ करके अब पढ़ाई कर रहा है ना बेटा, ट्यूशन जाता है ना बेटा। अभी ट्यूशन हम लोग भेज रहे हैं दोस्तों आदि बाबू को, अभी स्कूल में नाम लिखवाएंगे। अरे पप्पी दे रहा ले, फ्लैंग किस कर दे दोस्तों सबको, फ्लैंग ऐसे कर दे। ये देखिए दोस्तों अभी आदि बाबू ट्यूशन भेज रहे हैं इसको और नाम भी लिखवाएंगे दोस्तों इसको स्कूल में। स्कूल हम पता कर रहे हैं यहाँ पर, और जनवरी या फरवरी में लिखा था नाम, नरे जनवरी फरवरी में तलक में हम इसका नाम भी लिखवा देंगे दोस्तों। अस्थाई से यहीं रहेंगे, अब पूरा ध्यान दे दिए हैं कि अब यहीं रहना है। कितनी भी मुसीबत आए दोस्तों, अब यहाँ से कहीं नहीं जाना है। मुसीबत से भागना सब समस्या का हल नहीं होता, मुसीबत को सामना करना पड़ता है दोस्तों। इसीलिए हम लोग जान चुके हैं कि अब पढ़ाना लिखाना भागने से नहीं होगा दोस्तों, पढ़ाई लिखाई जरूरी है। हरी मिर्च आजा बेटी, ये देखिए दोस्त गिर गई, आ गई हमारे पास। थोड़ा बहुत डेगा डेग चल लेती है ना बेटी। आके पापा के गोद में सो गई दोस्त। निशा जी नहा ली है, हम लोग भी थोड़ा फ्रेश हो गए हैं दोस्तों। नहा धुला कर पूजा पाठ, गोरी हो गई है दोस्तों। आप लोग कमेंट में भी बहुत अच्छे अच्छे लिखे थे और हम लोग को कदर भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप लोग दोस्तों। ठीक है, थैंक यू। इन लोग के तो नजर में, हम अपने यूट्यूब फैमिली के नजर में गोरे हो गए। आपके नजर में सच में हो गए गोरे? हाँ? थोड़ा साफ हो गई दोस्तों। और बिटिया रानी देखिए देख रही है दोस्तों। ए बाबू, अभी हमारे घर में बनने जा रहा है, क्या बनेगा जी अभी बताऊंगी, अभी सरप्राइज है। सरप्राइज है दोस्तों। तो अभी हमारे घर में देखिए टमाटर कट रहा, मिर्ची कट रहा और इधर आलू उबला हुआ रखा हुआ है तो चलिए हम लोग मिलके छीलते हैं ना जी आलू। तो बेटे इधर आधी काट लेना क्योंकि आलू निकाल लेते हैं ना पहले, क्योंकि लहसुन प्याज गरम है दोस्तों। तो कम से कम आधी मिर्च, टमाटर और धनिया पत्ता मिला ही नहीं। धनिया पत्ता नहीं मिला, नहीं गई थी ना। तो चलो कोई बात नहीं। देखिए हमारा आलू भी उबल चुका है, तुम देखिए फटफट गया है एकदम, उबल के भाप भी निकल रहा है क्योंकि गरम गरम पूरा गरम है। थोड़ा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद छिलेंगे ना जी। और इधर अदरक भी कटा रहा मस्त, अदरक को खिंचा खिंचा अदरक। और ये देखिए दोस्तों ब्रेड है, ब्रेड से ही आज कुछ इसका बनेगा। आलू और ब्रेड, टमाटर मिक्सिंग करके क्या चीज बनाने वाले हैं दोस्तों, आप लोग जरूर देखिएगा फर्स्ट टाइम और बहुत ही अच्छा भी लगेगा। और दिल्ली का रेसिपी फर्स्ट रेसिपी आएगा। चलिए बिटिया रानी देखिए देते आलू छीलने आई है, छू नहीं रही है, इसको पता है कि गरम है। छू ले ले, गरम है ना बेटी, छुएगी नहीं, वो छुएगी ही नहीं। देखो ना ये देखिए, छुएगी नहीं, इसको पता है कि गरम है। तो दोस्तों देखिए हमारा टमाटर, धनिया, आदि, हल्दी, नमक, मिर्च और एक ये राकेश पनीर मसाला, क्योंकि मीट मसाला नहीं मिला। और यहाँ पर ये हस्बैंड जी क्या कर रहे हो बाबू? आलू छिले। देखिए दोस्तों एकदम मस्त सा आलू एकदम फटफट गया है, सीज गया मस्त से। चलिए इसको हम छीलते हैं ऐसे करके, इसको छील लेते हैं ना बढ़िया से। देखिए दोस्तों हमारा बॉयल हुआ आलू। और देखिए अदिति, देखिए पापा आलू छील रहे हैं, बेटी महारानी जैसे बैठ रखी है ना। चलिए दोस्तों हम लोग पूजा पाठ पर कर लेने के बाद कितना अच्छा लगता है। चलिए दोस्तों सारा सामान को तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद तो दोस्तों देखिए अदिति बिटिया रानी गई है खाना बनाने के लिए ना बेटी, खाना बनाने के लिए सीख रही है। देखिए दोस्तों क्या बना रही है बेटी, चोखा बना रही है दोस्तों। देखिए छोलनी चला रही है, देखिए अब मुझे ना चोखा बना रही है ना। सुनिए तो अब मुझे जरूरत नहीं है खाना बनाने की। हाँ क्योंकि बिटिया रानी तैयार हो गई है अब खाना बनाने के लिए। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों देखिए अब निशा जी बनाने आ रही है चोखा, पहले भूनेगी ना। हाँ, ये मसाला इधर तैयार है दोस्तों। देखिए हमारा दिल्ली का कढ़ाई दोस्तों, कैसा कढ़ाई है ये जी। मेरा कढ़ाई देखिए दोस्तों कितना कढ़ाई गजब, अजीब गजीब की तरह है। इसमें थोड़ा सा मैंने डाल दी सरसों। तो इसको चलिए एकदम चटक रहा है। वाह वाह उड़ रहा है, कितना मस्त उड़ रहा है दोस्तों। चलो अब मैं इसमें डालूंगी क्या, बता दो आप क्या डालना। सबसे पहले अदरक। तो दोस्तों देखिए हमारा आदि भी हल्का था, अच्छा सा ब्राउन हो गया है। अब चलिए मैं मिर्च को डाल देती हूँ। चलिए मेरा मसाला अच्छे से भुना गया है। फिर अब मैं आलू और इसमें धनिया का पत्ता डालकर अच्छे से चोखे को मिक्स कर लेते हैं। चोखा बना रही दोस्तों, पहले चोखा ही बनाना पड़ता है। हम लोग तो घर में बनने जा रहा है आज ब्रेड पकौड़ा। फर्स्ट बार ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे दोस्तों। ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए पहले तो आलू का चोखा ही बनाना पड़ता है ना। हाँ, अब चोखा बन जाएगा, उसके बाद की आगे की सामग्री मैं बताऊंगी। दोस्तों देखिए फाइनली हमारा चोखा बन गया बिना लहसुन प्याज के। आप लोग देख सकते हैं कितना टेस्टी हमारा चोखा लग रहा, नहीं लग रहा जी? तो ब्रेड बनाने के लिए हमारे यहाँ बेसन घुरा रहा है, देखिए मस्त से एकदम। ये कहीं खुल के गिर गया। ये बता दी आज क्या बना रही हूँ। क्या बन रहा है जान रहा है घर में बेटा? तेरा फेवरेट चीज बन रहा है ब्रेड पकौड़ा। फूल गया और खाएगा ना बेटा? क्या फूल बहुत है ना। समोसा भी बना दे। तो दोस्तों फाइनली देखिए हमारा चोखा भी रेडी, बेसन भी रेडी, सब चीज रेडी हो गया चुका है। तो अब हम इसमें देखिए बेसन में लगाएंगे इस तरह से, ब्रेड में लगाएंगे। हाँ वही तो मैं भी बोली, ब्रेड में लगाऊंगी चोखा। चोखा इस तरह से लगता है दोस्तों, देख सकते हैं मस्त कदम चोखा बना है। चोखा टेस्ट धमधम कर रहा है। खाए थे ना चोखा, थोड़ा भी टेस्ट किए थे दोस्तों, अच्छा भी लग रहा था बिना लहसुन प्याज का। हाँ अब इसको दोस्तों क्या करेंगे, एक देखिए चोखा सब भरा गया है मस्त से, इसे भर देना और उसके बाद इसको ब्रेड से दूसरी ब्रेड को ऐसे करके ढक देना। ढक करके इसको काट देना है बीच से। नहीं कट रहा है, कटेगा जी, ये चक्कू ही खराब है मेरा। चलिए कट गया। अब इसको ब्रेड को क्या करिएगा, बेसन में। तो दोस्तों देखिए हमारा ब्रेड हो गया है कट के रेडी। और यहाँ आलू चॉप बनाने के लिए दोस्तों रेडी, बच गया ब्रेड, खत्म हो गया। देखिए इतना सारा, अरे बाप रे बाप, आधी तो कर रहा है इसको ब्रेड पकौड़ा। तो दोस्तों देखिए फाइनली हमारा अब ये तो हो गया और तेल भी इधर हमारा गर्म हो गया, जो कि सरसों तेल में मैं आज बना रही हूँ, रिफाइन यूज नहीं करूँगी। देखिए फ्रेंड इस तरह से ब्रेड के ऊपर, आहा हा हा, खाएंगे हम भी खाएंगे। कम बेसन पड़ा। तो दोस्तों देखिए हमारा ब्रेड पकौड़ा किस तरह से मस्त एकदम सोना हो गया, एक तरफ सीध गया। हाँ हो गया, बस ये ना थोड़ा सा दाना दाना गिर गया बेसन हाथ से ना। तो देखने में तो देखिए दोस्तों एकदम लग रहा बाजार जैसा ब्रेड पकौड़ा, और टेस्टी भी लगेगा खाने में। उतना ही बन कर गरम गरम छनाए। अभी आधी आएगा ना, उसके बाद बोलेगा मम्मा जल्दी दो। ये देखिए दोस्तों ब्रेड पकौड़ा एकदम मस्त से बन गया। आधी को नहीं मिलेगा, आधी बहुत बदमाश है, पार्क में घूमता है। आधी बाबू इधर बैठा हुआ है खाने के लिए, आएगा ना बेटा? दे मेरे आदमी को, दे जल्दी से। मस्त एकदम बन गया दोस्तों। कितना खाएगा? एकदम बाजार जैसा एकदम ब्रेड पकौड़ा घर बैठे ही बनाया दोस्तों। दोस्तों देखिए हम लोग फैमिली सभी लोग अब खाने के लिए तैयार हो गए हैं। खाना भी बन गया है, देखिए बन गया ब्रेड पकौड़ा और आलू चॉप है दोस्तों, और इधर सॉस टमाटो सॉस। दोस्तों आइए आप लोग भी हमारा खाना खा लीजिए नाश्ता। और ये बच्चे लोग को बहुत पसंद आता है ब्रेड, और आदि बाबू खा भी रहा है दोस्तों। देखिए अच्छा लग रहा बेटा? कैसा लग रहा? नहीं गंदी बात बोलो, अच्छा लग रहा, टेस्टी। हाँ टेस्टी लग रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अलग नए वीडियो में और नए अंदाज के साथ दोस्तों। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और हमारा ब्रेड पकौड़ा कैसा लगा दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोग इस तरह से एक बार जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि घर बैठे ही खाइए खाइए।